खबर तो परसों की है। यह असम में हिमंत सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड तलाक एक्ट रद्द कर दिया है। मुस्लिमों को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में ला दिया है। इसका मतलब मुसलमानों में शादी की उम्र वही होगी जो देश के कानून में है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। पर आज हल्ला ये मच गया कि ये हिंदुत्व की साजिश है। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत का एग्रेशन देखिए। हिमंत ने विधानसभा में उंगली दिखाकर चैलेंज दिया कि जब तक वो जिंदा है असम में बाल विवाह नहीं होने देंगे। टाल ठोक के ये भी कहा कि विरोध की जितनी दुकानें चल रही है 2026 तक उनके शटर गिरा देंगे। दूसरी तरफ ओवैसी ने तकरीर की, आरोप लगाया कि मोदी और हिमंत का मुस्लिम बेटियों की चिंता करना सिर्फ ढोंग है, ये लोग सुधार के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हिंदुत्व थोप रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों से टुकड़ों टुकड़ों में उनकी शरीयत छीनी जा रही है, इसके बाद कहीं का मुसलमान कहीं का नहीं रह जाएगा। कश्मीर में 35 से हटने के बाद वहां की महिलाओं को भी उनके हक मिले, क्या उसमें ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को नहीं हुआ? उत्तराखंड में जो यूसीसी आया उसमें मुस्लिम बेटियों को ही अधिकारों की बराबरी क्या नहीं मिली? हालांकि क्योंकि हिंदू बेटियों को तो पहले से वो अधिकार मिले हुए थे, यूसीसी आने के बाद वही अधिकार अब उत्तराखंड में मुस्लिम बेटियों को मिलेंगे। असम में हिमंत विश्व शर्मा की सरकार भी यूसीसी लाने का ऐलान कर चुकी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि राज्य कैसे यूसीसी ला सकता है, लेकिन सवाल तो उत्तराखंड में भी उठाए गए थे। तो क्या यह भी माने कि मोदी सरकार के यूसीसी लाने से पहले हर राज्य छोटी छोटी तो मैं अपना यूसीसी ले आएगा ताकि विरोध करने वालों का माइंड मेकअप हो सके और मोदी जब यूसीसी लाए तो एकदम से जोर का झटका न लगे। तो दोनों पर बहस करेंगे, जानेंगे कि मुसलमानों के सुधार की बात करना एक एंगल से हिंदुत्व थोपने की साजिश है का, या यह कहकर ओवैसी सिर्फ डरा रहे हैं। सुन लीजिए, असम में साइल मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मुस्लिम मैरिज एक्ट बातिल कराने की काम तो पूरा ही लॉ। असम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को मेहर मिलेगा। जब तक विश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में साइल मैरिज अपना बहुत। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को मेरी बहन है, अरे फिर बहन को मेहर नहीं मिलना। असम के मुख्यमंत्री का एजेंडा बड़ा साफ नजर आ रहा है कि उनका इरादा यही है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं जो मुसलमान नहीं होते। इसमें किसी मुसलमान या हिंदू को दुखी नहीं होना चाहिए। इसी पर बात करेंगे कि ओवैसी साहब को ऐसा क्यों लग रहा है कि सुधार नहीं है, ये हिंदुत्व थोपने की साजिश है। इसी पर बात करेंगे। मेरे प्रिय मित्र और नेता एआईएमआईएम के दारिश कुरैशी जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ वकील के तौर पर डीके दुबे जी मेरे साथ हैं, चंपक कलिता एआईयूडीएफ जो एक बड़ी पार्टी असम की उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदों से मैं पूछता हूं दानिश कुरैशी, ये पीछे दरवाजे से हिंदुत्व तो लाना जैसा क्यों है, बताइए आप क्यों लगता है? उनको कहते हैं ना भड़काऊ भाईजान, तो भड़काते रहते हैं वो पूरे हर टाइम 24 घंटे। देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रचा नहीं है, तो इस वजह इस तरीके के शगुफे वो सुबह शाम छोड़ती रहती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कानून लागू किया कि भाई मुसलमानों की अब शादी नहीं होगी, उनका तलाक के लिए भी कानून यकीन कर दिया गया, तो
मुझे ये बता दीजिए कि इस देश में हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट अलग रहेगा और स्पेशल मैरिज एक्ट में मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, जैन जितने भी हैं वो तमाम लोग अलग रहेंगे। ये कैसी इक्वालिटी है, ये तो मेरी समझ से परे है। दूसरे नंबर की बात के जैसा कि पहले यूसीसी की मांग कर दीजिए, अगर इसमें आपको गड़बड़ लग रही है तो बोल दीजिए यूसीसी मांग लीजिए, क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी? रिफॉर्म आप लोग भी करिए ना अपनी समाज के अंदर। क्यों यूसीसी की मांग कर रहे हैं? क्यों यूसीसी की मांग कर दीजिए ना, आपको बड़ी असमानता लग रही है कानूनों में, तो कर दीजिए यूसीसी की मांग। आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, मैं मांग कर लेता हूँ। अरे मैं तो आपको कहता हूँ आप घर वापसी कर लीजिए दानिश कुरैशी जी, आप भी 100-200 साल पहले आपके बाप दादा कन्वर्ट हुए होंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ घर वापसी कर लीजिए, ओवैसी साहब को समझाइए घर वापसी कर लें। मैं वही कह रहा हूँ, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए अगर अगर आपको कबूल नहीं है तो जिस तरह आपको कबूल नहीं है इस तरह मुझे भी कबूल नहीं है। अच्छा, तो दिक्कत ये है कि हेमंता को अगर ये लगता है कि दानिश भी हेमंता बन जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, तो मुखालिफत तो हम जमहूरियत में करेंगे, अगर उससे भी आपको कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे दानिश भाई। देखिए बात मुखालिफत की नहीं है, सवाल ये है कि जब अगर शरीयत पे हमला होगा, अगर बहनों का जो हुकूक है, उनका महर का जो हक है, कितना बहनों का हुकूक देते हैं दानिश कुरैशी सब जानते हैं। सुनिए, देखिए कितना बहनों का हुकूक देते हैं सब जानते हैं। तीन तलाक का कानून आया तो आप लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं नहीं ये रिफॉर्म तो हो रहा ही दीजिए, मुस्लिम बहनें खुश है। प्रॉब्लम दानिश कुरैशी और दानिश कुरैशी के नेता ओवैसी साहब को है। आप मुझे इस्लाम कबूल करने का बोल रहे थे, मैं दानिश कुरैशी जी को और डीके दुबे जी, मैं आपके सामने आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि दानिश कुरैशी और असदुद्दीन ओवैसी भी घर वापसी कर ले। डीके दुबे जी वक्त सही है? मुझे लगता है कि अगर भारतीयता और भारत के निवासी हैं, भारत में जन्म लिया है, भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत के संस्कारों को मानते हैं, ये कोई बात तो नहीं है। घर वापसी अगर कोई भटक गया है, कोई कहीं चला गया है और वो अपने घर को वापस आना चाहता है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और घर वापसी करने के लिए मुझे लगता है कि देश में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो तैयार भी बैठी है। केवल ये डर का माहौल अगर खत्म कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि नहीं भाई सर तन से जुदा नहीं किया जाएगा और आप अपने इरादे से अपने अपने मर्जी से जो करना चाहें वो कर लें, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में इस समय विवाह भी कर रही हैं और वापसी भी कर रही हैं। ऐसे कई प्रकरण पिछले कई दिनों से आ ही रहे हैं, इसलिए घर वापसी में कोई बुराई नहीं है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर पाकिस्तान अपने यहाँ फैमिली लॉ अमेंडमेंट कर सकता है, पाकिस्तान मैरिज में संशोधन कर सकता है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री अपने यहाँ एक विवाह या महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत का मुसलमान कोई अलग सा मुसलमान तो नहीं है? भारत का मुसलमान भारत का नागरिक है, भारत का निवासी है, तो भारत में वो एक इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बिठा सकता? दूसरी बात जहां तक आती है कि हम जिस देश के निवासी हैं, जिस देश के नागरिक हैं, वहां पर क्यों नहीं, जब सेकुलर शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो सेकुलर सबके लिए क्यों नहीं? सेकुलर में भिन्नता क्यों है? सेकुलर से हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं? हम सुप्रीमेसी क्यों चाहते हैं? हम अलग से कुछ विशेषाधिकार क्यों चाहते हैं? विशेषाधिकार वाले जो कानून थे जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे करके खत्म करने शुरू कर दिए, अब तो पूरा देश नॉर्मलसी में एक तरफ एक दिशा में चले, यही उम्मीद की जानी चाहिए सभी से। ठीक है, मैं इसी यही से बात को आगे बढ़ाता हूँ, सीधे चंपक जी के पास चलता हूँ। चंपक जी, अगर महिलाओं जो 15 साल की उम्र है अगर उसको असम के सीएम खत्म कर रहे हैं, गलत क्या है? ये तो होना ही चाहिए। देखिए ये लंबी चौड़ी बात नहीं, सही एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये टोटली सियासत के द्वारा रियासत पे हमला है और जिसके लिए हिंदुस्तानी महाशरे हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए आगे मुस्तकबिल में बहुत बड़ा खतरा है, शदीद खतरा है, इसको हम लोगों को एड्रेस करना चाहिए। अभी हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, सबका कल्चर अलग है, आपको सबको अगर जबरदस्ती आप एक करना चाहोगे तो ये कैसे चलेगा? और ये कोई हिंदुस्तान का कोई मसाइल नहीं है कि आज की तारीख में शादियां कैसे हो, मुसलमान क्या कलमा पढ़ के शादी करे, हिंदू कैसे शादी करे, ये मसाइल नहीं है। हिंदुस्तान में मसाइल है बेरोजगारी, हिंदुस्तान में मसाइल है जो कीमत बढ़ रही है प्राइस हाइक, हिंदुस्तान में मसाइल है आपका आदमी को लोगों को माटी का पट्टा चाहिए, असम में इरोशन है, ये सब बाढ़ है,
ये सब इकोनॉमी है, ये है मसाइल। आज जो आपका इशू नहीं है उसको आप इशू बना के हिंदू मुस्लिम करके पोलराइज करके अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए, हिंदुस्तानी माशरे के लिए, हिंदुस्तान के सलामियत के लिए मुस्तकबिल में बहुत बड़ा खतरा मुझे लग रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी क्या ये करके हिमंत विश्व शर्मा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान हिंदू वोट दे दे मोदी जी को और धमाधम 400 सीटें आ जाए आपकी, 370 एक तरफ और 400 सहयोगियों के साथ। देखिए जो विकृत सांप्रदायिकता के शिकार लोग हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। बताइए, बाल संरक्षण, बच्चियों का संरक्षण करना, इसका सांप्रदायिक कोण देने का क्या औचित्य है? बाल विवाह यह जो है कुरीति है, या आदरणीय दीपक जी आपने भी और मैंने भी यह प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा है कि इस देश में बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब जो है वो कुरीतियां थी, पर्दा प्रथा। पता नहीं क्या हुआ है कि इनको हर चीज में जो है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है। अगर जो है हिंदू ईसाई सिख इनकी लड़कियां जो हैं उनके विवाह करने की उम्र जो है वो वयस्क होने पर है तो मुस्लिम लड़कियों को भी वह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? संपत्ति की बात आती तो संपत्ति में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को भी अधिकार मिलना चाहिए, ईसाइयों को मिलना चाहिए, यहूदियों को मिलना चाहिए, पारसियों को मिलना चाहिए, सिखों को मिलना चाहिए, उसी तरह से जो है मुस्लिम लड़कियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें हिंदू मुस्लिम कोई कोण नहीं है, इसमें कोण है कि हमारे देश के संविधान के सामने हर स्त्री पुरुष वह जो है समान है। तो जो संविधान जो है समत्व के आधार पर बना है उस संवैधानिक व्यवस्था को, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकारने वाले, समता के अनुकूल यदि कोई नियम बनता है तो उसको हिंदू मुस्लिम के कोण से क्यों देखते हैं? ठीक है, यही जवाब लेता हूं। बताइए दानिश जोरा जी, इसको हिंदू मुस्लिम के हिसाब से क्यों देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो शुक्ला जी जो कह रहे हैं ना, दरअसल शुक्ला जी और हेमंत विश्व शर्मा की भाषा एक है। मुझे ये बता दीजिए कि किसी ने भी खुद असद साहब ने या और किसी भी नेता ने कम उम्र की बच्ची की शादी की मुखालफत की हो, तो प्रेम शुक्ला जी से पूछिए। सुनिए दूसरे नंबर की बात, तो फिर इसको स्क्रैप करने का विरोध क्यों कर रहे हैं? गजब बात करते हैं, सुनिए तो इसको स्क्रैप करने का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें कम उम्र में शादी हो रही थी ना, यही प्रॉब्लम थी ना, दुकान खोल रखी थी ना। अरे सुनिए, ये दुकानें आपने चला रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सुनिए, अपना जवाब दूं आपको। अब सवाल यहाँ ये आके खड़ा है, मुझे ये बताइए आप कि आपने अभी तक कितने रजिस्ट्रार थे जिन्होंने 18 साल से कम उम्र की बच्ची का मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया हो और उसको उठा के जेल में डाला हो? एक भी मिल जाए ना, उस काजी का क्या होगा जिसने 12 से 15 साल की बच्चियों की शादी कराई है? उस काजी का क्या होगा साहब? दानिश कुरैशी ये भी बताइए, रजिस्ट्रार छोड़िए, उस काजी का क्या होगा? अरे सुनिए, मुझे ये बताइए कितने काजी को जेल में डाला जिसने 15 साल की बच्ची की शादी करवाई? कितने रजिस्ट्रारों को जेल में डाला? एक को भी नहीं डाला। अब आ गए आप लाइन पे, अब आ गए लाइन पे। अगर अभी जेल में डाल देंगे ना तो हम यही कह रहे हैं, यही कहेंगे कि हिंदू तो आ गया है, काजियों को जेल में डाला जा रहा है। मांग कर दीजिए आप काजियों को जेल में डालने की जो कम उम्र की महिलाओं को शादी कराते हैं। बोलिए बोलिए, ये लाइन की जो कम उम्र की महिलाओं की शादी कराते हैं उन काजियों को जेल होनी चाहिए। अरे कानून है क्या बेवकूफी की बात करते हैं दीपक भाई? आप जैसे संगीदा एंकर ये सवाल करते हैं, कैसी कानून है अपनी बात पर आप पलट रहे हैं भाई? मुझे ये बताइए, अरे मुझे बताइए तो, मुझे ये बताइए कितने रजिस्ट्रारों को जेल में डाला हेमंत शर्मा ने? एक भी कभी नहीं। ठीक है, बोलने के लिए हेमंत कुछ कह रहे हैं और शुक्ला साहब से मैं पूछ रहा हूँ, आगे पूछ लीजिए शुक्ला साहब से, जवाब ले रहे इनसे इस्लाम कबूल कर लीजिए। मैंने बोला कि आपने भी तलवार या पैसे या जिस कारण से भी आप लोगों ने 100-250 साल पहले जो है इस्लाम कबूला, वैसे आप भी घर वापसी कर लीजिए। अरे हम तो राजा मुसलमान था, आप तो राजा हिंदू है, क्या दिक्कत है?
दानिश कुरैशी जी आप भी और ओवैसी जी घर वापसी कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी बुलाए ओवैसी जी को घर वापसी कराए होंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे इसका। प्रेम शुक्ला जी फिर मैं चंपक जी आपका हाथ नहीं किया उसके बाद में तुरंत आपके पास आऊंगा। देखिए किसी को भी अगर जब हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट में अन्य जो हमारे धर्मावलंबी हैं उनके एक्ट में 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह संभव ही नहीं है तो पंजीयन कैसे हो जाएगा मित्र? तो विवाह पंजीयन संभव नहीं है। अब ये इस्लामिक कायदे में इस तरह की व्यवस्था का प्रावधान किया हुआ है। अब उस व्यवस्था को यदि जो है मुस्लिम लड़कियों को न्याय संगत अधिकार देने का की पहल आदरणीय हिमंता बिस्वा सरमा करते हैं तो इसे अनावश्यक ये कुरीति समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जाता है। चाहे ट्रिपल तलाक के संदर्भ में हो चाहे बाल विवाह के संदर्भ में हो चाहे हलाला के संदर्भ में हो तो आप उसको धर्म में हस्तक्षेप क्यों मानते हैं? सती प्रथा अगर जो है उसको रोका गया तो ये धर्म में हस्तक्षेप थोड़े था। बहुविवाह को अगर जो है रोका गया तो ये हस्तक्षेप नहीं है। कहने दीजिए ना उनको। आप स्काइप पे हैं, आप ज्यादा जोर से बोलेंगे आपकी आवाज कट जाएगी। मैं आपको पूरा वक्त देता हूँ, आप दूंगा भी। प्रेम शुक्ला जी जी आप कम उम्र की बच्चियों की शादी करवा रहे थे। दीपक जी जो आप अजीब बातें कर रहे हैं, क्या तर्क है? अब अनायास जो है देखिए वृथा बकवाद करने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि हम जो है तर्क का उत्तर तर्क के आधार पर दें। वैज्ञानिक दृष्टि से भी 18 साल से कम युवती का जब हम विवाह करते हैं या उसके साथ जो है किसी प्रकार का जब वो गर्भाधान इत्यादि होता है तो वह उसके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। यह व्यवस्था विज्ञान सम्मत है और पूरी दुनिया जो है विज्ञान के आधार पर अपने जो है तमाम दर्शनों में संशोधन करने के लिए तैयार है। कुछ लोग जो है रूढ़िवादिता के चक्कर में यदि विज्ञान की बजाय अज्ञान पर आमादा हैं तो हम जो विज्ञानवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जो संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले देश होने के नाते हमको जो है इस तरह की अव्यवस्थाओं को परिमार्जित करना हमारा संवैधानिक राज्य के रूप में दायित्व है। ठीक है मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ। चंपक कलिता जी हाथ उठा रहे थे। चंपक कलिता जी क्यों इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान करके देखा जा रहा है? क्या यह सुधार नहीं है? क्या आपको लगता है 18 साल से कम बच्चियों का काजियों को निकाह कराना चाहिए, हाँ या ना, बताइए कलिता साहब। नहीं देखिए गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। आसाम तो हिंदुस्तान का एक अंग है, यहाँ आईपीसी सीआरपीसी लागू है। अगर यहाँ कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की 21 साल से कम उम्र का लड़का शादी करेगा तो जेल में जाएगा, उसके ऊपर कानून लागू होगा। जो पुजारी जो कादी उसको शादी कराएगा वो जेल में जाएगा, उसका माँ बाप जेल में जाएगा। अभी असम में कानून लागू है तो अगर जहाँ ये कानून लागू है उधर आपको मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को स्क्रैप करने का क्या जरूरत है? ये तो असम में कानून लागू है। आप सारा डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोलिए कि सारा कादी अपना रजिस्टर लेके आए, उसमें आप देखे क्या कहाँ शादी हुई है। अगर आपको कहीं संदेह सुबह अगर शक है तो आप जाके फील्ड में वेरिफिकेशन। मैं गलत नहीं हूँ, मेरे प्रोड्यूसर मुझे ठीक करेंगे, हिमंता जी कर चुके हैं, एक बार जेल में बंद कर चुके हैं। बड़ी हाई तोबा मची थी, आपको भी याद होगा कलिता जी, बड़ी हाई तोबा मची थी। आप लोगों को 94 काजियों की फिक्र है, लाखों बेटियों की फिक्र नहीं है। आपको तो जीटीबी को आरएसएस बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, लोगों को तर्क दीजिए ना, तर्क दीजिए, तर्क दीजिए। मुझे बताइए आपको काजियों की पड़ी है, लाखों बेटियों की नहीं? पहले नुस्ताटी में दवा निकलते थे, अभी जीटी में आपको दवा निकलना है, आपको दवा निकलना करिए। लेकिन मासे को क्यों बिगाड़ते हैं, हिंदुस्तान को क्यों बिगाड़ते हैं, आसाम को क्यों बिगाड़ते हैं? तर्क पर बात करिए ना, मैं थोड़ी आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ, क्या काजू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? बताइए मैं सीधे ये सवाल दुबे जी के पास ले चलता हूँ, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा। दुबे जी क्या कहेंगे? कलिता जी से मैंने सवाल ही पूछा था।
हाँ, वो उनको जवाब देना थी नहीं था और उनके पास जवाब था भी नहीं मुझे लगता। लेकिन एक बात, भारत में माइनर मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 1929 है जिसमें माइनर मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है। अब कुछ राज्यों ने अपने यहां इस बात का संशोधन कर लिया कि साहब हम एक्सेप्शन में मुसलमानों को रखते हैं। अब जब एक्सेप्शन में मुसलमानों को रखेंगे या किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी संप्रदाय को आप एक्सेप्शन में रखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम उनके साथ, अगर राष्ट्रीय कंसेंसस ये कह रहे हैं कि माइनर मैरिज नहीं होनी चाहिए और तमाम हाई कोर्ट कह रहे हैं कि माइनर मैरिज नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी करके रखा है कि भाई इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, इनके मैरिज के सबके विवाह संबंध एक से होने चाहिए, तो फिर जिन राज्य सरकारों ने अपने सुविधा के अनुसार वो एक्सेप्शन बना रखा है, अपवादित कानून बना रखा है, मुझे लगता है कि अगर हेमंत जी उस अपवादित कानून को संशोधित करना चाहते हैं और नेशनल कंसेंसस जो राष्ट्रीय कानून है, जो हाईकोर्टों के ऑर्डर जजमेंट हैं, उन जजमेंटों के अनुरूप लाना चाहते हैं तो इसमें रिलीजियस कोई प्रैक्टिस प्रोहिबिशन नहीं है या इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल यह पैदा होता है कि जैसे ही उनको पता लगता है कि इससे किस पर इफेक्ट पड़ेगा वैसे ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे कि भाई अगर असम में कोई कानून बनाया जा रहा है तो वो सबके लिए बनाया जा रहा है और अगर एक्सेप्शन रखा गया है तो उसको एक्सेप्शन को अब वो मेन फ्रेम में ला रहे हैं, मेन स्ट्रीम में लाने में क्या समस्या है। लेकिन जब राजनीति करनी है तो राजनीति में पॉइंट समझ में आए या ना आए, विषय समझ में आए ना आए, कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है, दारिश कुरैशी के पास ही जाता हूँ। दारिश कुरैशी जी, आपको 94 कार्यों की तो पड़ी है जिनको 2-2 लाख का मुआवजा भी दे दिया असम सरकार ने, लेकिन लाखों बेटियों की नहीं पड़ी है दारिश कुरैशी जी, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? ये फिर से फरेब है दीपक जी, आपका फरेब है, प्रेम शुक्ला जी का फरेब है, हेमंता का फरेब है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि देश में पोस्को जैसा कानून है, 18 साल से कम उम्र की बेटी का अगर किसी भी तरह से शोषण किया जाता है, चाहे निकाह के स्वरूप में, चाहे विवाह के स्वरूप में, चाहे शादी के स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में, तमाम राज्यों में ये कानून लागू है। क्या बेवकूफ बना रही है हेमंता सरकार देश को, क्या बेवकूफ बना रहे हैं? सुनिए मेरी बात, किसी व्यक्ति विशेष ने अगर इस तरीके का काम किया है, मैंने आपसे पूछा ना, आप जवाब दे पाए ना, हेमंता जवाब दे पाए ना, सो कॉल्ड जो अपने जो पैनलिस्ट थे सबसे पहले जो कानून की बात कर रहे थे वो भी इस पे जवाब नहीं दे पाए कि आपने कितने रजिस्ट्रारों को 18 साल से कम उम्र की बच्ची को शादी के मामले रजिस्टर करा के जेल में बिठाया, तो आपको एक भी नहीं मिला। दिक्कत आपको ये है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके पास दिखाने के लिए फिर मैं कह रहा हूं कुछ नहीं है। अगर है तो मैं ये कह रहा हूं कि उठा के सबसे पहले उन लोगों को पोस्टो में डालिए और आंकड़े बाहर लाइए, आप नहीं ला पाएंगे क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं दीपक भाई, कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, कुछ नहीं है प्रेम शुक्ला जी आपके पास, सही है क्या है, इसीलिए ये मैनेवरिंग हो रही है, इसीलिए दिखावा हो रहा है। मुझे देखिए, अगर अगर अब अजीब बात करते हैं, ये जो है जब काजी के यहाँ विवाह जो है ये किया जा रहा है और काजियों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, इसके प्रमाण हैं भाई, रजिस्ट्रेशन मुस्लिम का रजिस्ट्रेशन करा कौन रहा है और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह का पंजीयन हिंदू विवाह अधिनियम में संभव नहीं है, विशेष विवाह अधिनियम में संभव नहीं है, ईसाइयों में संभव नहीं है, यहूदियों में संभव नहीं है, पारसियों में संभव नहीं है, बौद्धों में संभव नहीं है। तो साहब आप जो है, जब मुसलमानों में ये संभव है, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट के फैसले भी हैं तमाम कि मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत जो है मुसलमान लड़कियों का 15 साल से का अधिक लड़कियों का विवाह संभव है, क्योंकि वहां प्यूबर्टी को माना जाता है, प्यूबर्टी होगी उसका विवाह किया जा सकता है। ऐसे में यदि जो है, और आप ही दीपक जी जान रहे हैं कि कैसे हेमंता शर्मा जी ने बाकायदा असम में ऐसे बाल विवाह करने वाले बहुतों के खिलाफ कार्रवाई की, तो इनका प्रश्न का क्या औचित्य शेष बचता है, ये क्या तर्क दे रहे हैं, मेरी समझ से परे इनका तर्क ही। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। अब सवाल यहां पर क्या है, सवाल यहां पर बड़ा ये है कि फिक्र किसकी है, काजियों की है या उन बच्चियों की है जिनकी 12 या 13 या कभी कभी 14 साल में शादी कर दी जाती है, 15 साल से ऊपर शादी करना, 15 साल से ऊपर की और 18 साल के बीच की, ये कानूनन जुर्म है, लेकिन असम में इसकी मान्यता थी जिसका अब जो है असम सरकार ने इसको स्क्रैप किया है। सवाल ये उठता है यहां पर, मैं आप शायद अली जी आपके पास आता हूं,
कई सारे हाई कोर्ट के जजमेंट है, एक्साइज जॉब, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, मुझे बताइए, वो ये कहते हैं कि बच्चियों की शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। अगर इसको एक रूपता लाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या गलत है शाहिद अली साहब, बताइए। बिल्कुल, मैं ये बात कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ में कि जो माइनॉरिटी, जो जो एज ऑफ मेजोरिटी है, जो एज ऑफ मैरिज है, वो 18 साल ही होनी चाहिए लड़की के लिए, इसमें कोई शक्की है और उसकी बात नहीं है। लेकिन जितने भी कानून बनते हैं उन सब में कस्टम्स के लिए जगह छोड़ी जाती है। जैसे जो एज ऑफ एडोलेसेंट एज होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि शादी कर ली साहब, घर से भाग करके शादी कर ली, जब वो कोर्ट के अंदर जाते हैं पॉक्सो एक्ट लग जाता है उसमें, वो जाके फिर क्वेश्चन के लिए जाते हैं, तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर विचाराधीन भी है। कई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं कि साहब जो मैरिजेबल एज में डिफरेंस है और इस बात में कि एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, तो जब वो मैरिजेबल एज है, वो 14-15 साल को मैरिजेबल एज मानती हैं ऑनरेबल कोर्ट्स भी, तो इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो मैरिज की एज 18 होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी कंट्रोवर्सी है, मैरिजेबल एज क्या है, इस पर भी दूसरी चीज है, एक वॉइडेबल मैरिज, वॉइड मैरिज, ये दोनों चीजों में अपने आप में फर्क है। कस्टम्स के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा उसको मान्यता दी जाती है, उसमें फर्क है। आसाम के अंदर से अगर इस कुरीति को खत्म किया जा रहा है कि साहब 18 साल से कम की उम्र में, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आप एंटी मुस्लिम क्यों कर रहे हो? बहुत सारे हिंदूज के अंदर, बहुत सारी जातियों के अंदर, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं आदिवासियों के अंदर, और छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, ये तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज का स्वागत होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छी चीज का स्वागत होना चाहिए। दानिश भाई देखिए, आपकी बात नहीं मान रहे, इसके विरोध नहीं कर रहे शाहिद भाई ने कितनी अच्छी बात की। अरे फिर से आप जो है ना दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। दीपक भाई, उन्होंने अच्छी चीज की बात की, वही बात मैंने आपसे कही, मैंने तो पॉस्को के कानून को भी अधीन बता दिया कि देश में पॉस्को का कानून है और 18 साल से किसी भी बच्ची के साथ यौन शोषण किसी भी रूप में नहीं हो सकता, किसी स्वरूप में नहीं हो सकता, उससे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति यहाँ ये है कि आपको मुसलमानों की शादी का और तलाक का हुकूम कर दिया जाएगा, इसकी बात करिए, इससे भाग रहे शुक्ला जी भी भाग रहे। मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए, दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं, मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं। मेरी शादी कैसे होगी मैं तय करूंगा, आप दीपक भाई खुद ही तय करेंगे या शुक्ला जी करेंगे? क्या पलट के शाहिद भाई, आपकी शादी कैसे होगी आप तय करेंगे भाई, सरकार क्यों तय करे? शाहिद भाई बताइए दानिश जी को, आपकी शाहिद भाई इसका जवाब ले लेते, फिर मैं आगे चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। शाहिद भाई बताइए, आपकी शादी कैसे हो, या आप तय करेंगे या फिर हेमंत विश्व शर्मा, ये कह रहे हैं दानिश कुरैशी जी। सर मेरी शादी कैसे हो और दीपक भाई आपकी शादी कैसे हो, मेरे ख्याल आपकी भी शादी हो चुकी होगी, लेकिन आपके बच्चों की शादी कैसे हो, मेरे बच्चों की शादी कैसे हो, हमारे पास में इस मुल्क के अंदर ना सबके पास में अपने अपने पर्सनल लॉज हैं और सेकुलर लॉज भी साथ साथ हैं। अब मैं अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी, ये क्या शायद भाई जरा ये समझाइए, बिल्कुल है सर, दोनों चीज साथ साथ है यहाँ पर, कानून भी सेक्युलर और कम्युनल होता है, गजब है। अगर आपने कानून भी सेक्युलर और कम्युनल होगा, गजब है। पर्सनल लॉ में आप करना, कम्युनल नहीं कहा सर मैंने, सर पर्सनल लॉ का मतलब कम्युनल नहीं होता है दीपक भाई, ऐसे मत करो। अरे नहीं, आप सेक्युलर लॉ बोल रहे हैं, मैंने पर्सनल लॉ को कम्युनल बोला ही नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि लॉज भी सेक्युलर और कम्युनल होते हैं, गजब है, कानून भी सेक्युलर और कम्युनल होता है। कम्युनल नहीं कह रहा हूँ सर मैं, सेक्युलर और पर्सनल लॉ कह रहा हूँ, फिर दोबारा सुन लीजिए, सेक्युलर लॉ क्या होता है मुझे बताइए ना, आप इसको कम्युनल कह के कृति ना करें। अगर आप सेक्युलर लॉ क्या होता है बताइए, शादी करते हैं ये सेक्युलर लॉ है, ये सेकुलर लॉ है, इसमें कोई भी मजहब का आदमी स्पेशल मैरिज में शादी कर सकता है। अगर आप पर्सनल लॉ में करते हो तो आपको कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक शादी करेंगे। अगर आपने हिंदू लॉ के मुताबिक शादी करनी है तो आपको सप्तपदी करनी पड़ेगी, आपको फेरे लेने पड़ेंगे, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या आप सप्तपदी को कम्युनल कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। ठीक है, आप फेरे लेने कम्युनल कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। बताइए प्रेम, पंडित जी आके वहां पढ़ेंगे कम्युनल नहीं है ना, कम्युनल होते थे ये परिभाषा में रहे, पहली बार के पास है, वो भी एक वरिष्ठ वकील से। अरे दीपक भाई फिर कम्युनल कह दिया आपने, दीपक भाई कम्युनल मत कहो, मैं फिर कह रहा हूँ सेक्युलर, सेक्युलर का उल्टा क्या हुआ, प्लीज माइंड इट, सेकुलर का उल्टा कम्युनल नहीं हुआ, पर्सनल अच्छा। लॉ में उल्टे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मैं कह रहा हूँ आपके मन है अपने धर्म के साथ शादी करने का, आपका वेलकम है, आपको संत रविदास हमारे देश ने बनाए हैं, प्रधानमंत्री हाल ही में गए थे, शायद भाई हमारे प्रधानमंत्री हाल ही में संत रविदास के यहाँ श्रद्धांजलि देने गए थे, फूल चढ़ाने गए थे, उनको माथा टेकने गए थे, उन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी,
मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मन चंगा तभी होगा और कठौती में गंगा तभी होगी जब आप चीजों को सेक्युलर और कम्युनल नहीं देखेंगे। आप मुझे बताइए प्रेम शुक्ला जी, सेक्युलर और कम्युनल क्या होते हैं? तो मैं निकाह करूं, मेरा मन है मैं 62 ग्राम में शादी करूं, वहां जाकर करवा लूंगा शादी। जी देखिए देखिए, इस देश में सारे कानून जो हैं वो इस देश के संविधान के तहत बने हैं। इस देश का संविधान पंथ निरपेक्ष है। अब उसमें कहीं लॉ सेकुलर और कम्युनल होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हाँ, कुछ सिविल लॉ जो है, सिविल जो कोड है, वो कुछ उसमें जो है पर्सनल कोड्स दिए गए हैं, और उस पर्सनल कोड्स को लेकर भी बड़ा मतभेद रहा है, और उस पर्सनल कोड के संदर्भ में संविधान निर्माताओं के मन में भी बहुत सारी आशंकाएं थी। इसीलिए जो है संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में रखी थी। तो मुझे लगता है इसमें कम्युनल और जो है सेकुलर लॉ होने जैसी कोई बात नहीं है। जहां तक बात है कि आपका मैरिजेबल एज क्या होना चाहिए, तो इस पर शाहिद जी भी राजी हैं, दानिश जी को भी ये कहना उनको लग रहा है कि 18 साल होना चाहिए। अब जब 18 साल आपकी मैरिजेबल एज होनी चाहिए, और उसके विरुद्ध अगर कोई कानून बन रहा है असम में जिससे उस पर प्रतिबंध लगेगा, तो विरोध किस बात का है? सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का औचित्य क्या है? जो लड़कियां 18 साल से कम उम्र की हैं, उनको जो है अगर कोई इस तरह का छल करता है, अत्याचार करता है, तो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और इस व्यवस्था को हर किसी ने मानना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि इस व्यवस्था में कोई खामी है, तो उसको उस व्यवस्था की खामी के संदर्भ में सुझाव देना चाहिए कि वैज्ञानिक नीति क्या बननी है, बने इस पर, और कैसे ये जो है 12-13 साल की लड़की का विवाह वैज्ञानिक रूप से कैसे बेहतर होगा, ये सिद्ध करना चाहिए। नहीं नहीं, दानिश कुरैशी जी डबल बात कर रहे हैं। अब दानिश भाई और शाहिद भाई दोनों सुनिए, और असगर भाई आप भी सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे प्रोड्यूसर ने लिख के भेजा है, भाई शादी की उम्र क्या हो ये सरकार तय करेगी। अरे घोड़ी कहाँ से आनी है, बारात कहाँ जाएगी, मेन्यू क्या होगा, शेरवानी पहनना है, कुर्ता पजामा पहनना है, या फिर बंद गला पहनना है, ये तो शाहिद भाई तय करेंगे ना। मैं जवाब दूं? ना ना, ये तो दानिश भाई तय करेंगे ना। लड़की की एज तय करने वाली बात है ना दानिश भाई। आपके घर में शादी होगी तो क्या हिमंता विश्व शर्मा क्या बैंड बाजा बारात बुक कराने आएंगे? नहीं आएंगे ना भाई। आपको जवाब दूं? हाँ दीजिए, आपको जवाब दूं? आपको जवाब दीजिए। देखिए आपको ही तय करना है, घोड़ा बैंड बाजा बारात खाना पीना सब कुछ। देखिए देखिए, दरअसल उनका बैंड बाजा तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निकल गया होता, वो वहां से वहां जंप करके निकला है, और इसलिए करके वो सारी चीजें कर रहे हैं। वो तो खैर अपवाद बात है उससे, लेकिन सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि अगर हेमंता सरकार को परेशानी थी तो वो ये कानून बनाती कि 18 साल से कम उम्र की किसी भी बच्ची की शादी आपने जबरदस्ती करवाई, चाहे कोई काजी हो चाहे कोई रजिस्ट्रार हो, अगर वो करवाता है तो उससे और कड़े कानून 14 साल तक की सजा तुम लाते तो हम उसका वेलकम करते, शायद भाई भी वेलकम करते और दूसरे पैनलिस्ट भी वेलकम करते। लेकिन क्या आप ये क्या कहेंगे कि भाई किसी का मतलब गधे का मसला चला तो कुमार के कान ऐड दिए, ये कहां का निजाम है? आप ये कैसे बाकी शादी और ब्याह के दूसरे जो कानून है वो आप खारिज कर देंगे? कोई कैसे खारिज करेंगे? प्रॉब्लम आपको अगर है, होना भी चाहिए, 18 साल से कम उम्र से किसी भी बच्ची की शादी होती है तो उससे आपत्ति है, दानिश को भी आपत्ति है, शाहिद भाई को भी है और दूसरे पैनलिस्ट को भी है। लेकिन आप उस पर आधार बना के आप कुछ थोपने की बात करेंगे, हिंदू जहाँ थोपने की बात करेंगे तो वो तो काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। क्या मीठा मीठा खा जाना है दानिश भाई, कड़वा कर देना है? आप खा पी के दानिश भाई या तो कबाब खाते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, हमारी तो जुबान में शायद है, हमारी जुबान में शायद है, हम हिंदुस्तानी है। थोड़ा शायद ओवैसी साहब को भी दे दीजिए, हमारे अपने सदर साहब को भी जाइए, कभी मुलाकात लीजिए, बहुत शायद है उनकी भी जुबान। मैं मिलता रहता हूँ उनसे पार्लियामेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं उनको पतंजलि कहानी भेजूंगा, वो दिखाएंगे, वो नहीं खा। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं भैया, अब मेरा मेरा अब मुझे समझ आ गया, अब मुझे विवरण समझ आ गया। मैं सीधे सीधे यहाँ से प्रवेश चौधरी जी के पास चलता हूँ। प्रवेश चौधरी जी, गौमूत्र का प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ से इस्तेमाल कर पाएंगे वो भाई? कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, प्रवेश चौधरी जी, देखिए देश में संविधान है और देश संविधान से चलेगा, ना कि कुरान और शरीयत से चलेगा। संविधान के अंदर जब आर्टिकल 44 के अंदर यूसीसी की बात कर दी गई है तो एक कानून होना चाहिए। जब एक कानून है,
एक देश है, एक कानून है, उससे चलना चाहिए। और देखिए हमको जो लगता है, हमको ये लगता है कि ये जो माइनर एजेस में शादियां मुस्लिम समाज में होती है, ये कहीं ना कहीं जनरेशनल डिसबैलेंस की तरफ भी लेके जाती है। यानी जनरेशनल जो डेमोग्राफिक डिसबैलेंस है, ये एक बड़ा एक संजीदा विषय मैं दे रहा हूँ कि जो ये शादी जिसकी 12 साल में उम्र में हो रही है, और हिंदू के अंदर वो 20 साल 22 साल में हो रही है, जिसकी 12 साल में हुई वो 14 साल तक एक बच्चे को संतान को पैदा कर चुकी है, और लेकिन जो 18-20 साल के अंदर जिसकी शादी हो रही है उसकी क्या, उसका बच्चा जब पैदा होगा और वो बड़ा होगा तब तक जो 12 साल वाली का बच्चा हुआ है वो एक नया बच्चा जो है वो इस संसार में लेकर आ जाएगा। तो ये पूरा जनरेशनल जो डेमोग्राफिक चेंज है ये इसके लिए भी बड़ा खतरा है। और जो दारुल इस्लाम जो एक पूरा मनसा चलती है इस्लाम के कट्टरवादी इस्लाम धड़े की, ये वही लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये भारत को दारुल इस्लाम की तरफ ले जाने का एक उनका एक टारगेट होता है, और इसीलिए ये डेमोग्राफिक चेंज की बात का समर्थन करते हैं और इसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं। इसलिए दानिश भाई कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। अरे भाई अगर 18 साल की एज है, 18 साल की एज में शादी होनी चाहिए तो ठीक है ना, देश के कानून ने बनाया ना, देश की संसद ने बनाया ना, उसमें तो हिंदू के भी लोग थे, मुसलमान के भी लोग थे, उसमें तो सभी लोग थे, सभी ने मिलकर आम सहमति से तय किया कि 18 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, और वही साइंटिफिक भी ठीक है, साइंटिफिक भी ठीक है। ठीक है असगर अली साहब, असगर अली साहब आपको दिक्कत है कैसे मंत्री जी ने किया क्या होता है जी? देखिए पहले तो मैं ये बताऊं, सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच तो ये है कि ये सब कुछ वोटों की राजनीति है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए किसी ना किसी को टारगेट करना है। इस मुल्क में अक्सर ये देखने में आया है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। सवाल इस बात का नहीं है कानून क्या बनाया, कानून अगर ये सही है तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये स्टेट के लिए क्यों है, सेंटर के लिए होना चाहिए, सेंटर को कानून ऐसे बनाने चाहिए, सेंटर खामोश क्यों है और सारी पब्लिक सारे इन लोगों को जो कानून बना रहे हैं 75 साल के बाद। अरे साहब कैसे एंकर है आप क्या आप कैसे एंकर हैं, पूरी बात नहीं सुनते आपसे, सिखा दीजिएगा एंकरिंग मुझे, आ जाऊंगा ट्यूशन लेने आपसे असगर भाई। मैं सिखा रहा हूँ आपको क्या एंकर को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ट्यूशन और एंकर को बहस भी नहीं होना चाहिए। नहीं वो फीस आपने पास रखी है, मैं बहुत लोगों को देता हूँ फीस, बहुत गरीबों को बांटता रहता हूँ मैं, अल्लाह शुक्र है, लेकिन ये एंकर को बायस नहीं होना चाहिए। आप ऐसे बात सुनिए भाई, हम आपसे ये कह रहे कि 75 साल हो गए जिस कानून को चलते हुए किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, आज ही ये सारी आंखें क्यों खुल रही हैं? और ख़ासकर जो वक्त चुना जाता है वो इलेक्शन का वक्त चुना जाता है, टारगेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया जाता है, चलिए उसको भी मान लें। अगर कानून में इतनी ज़्यादा रिजिडनेस क्यों है, जो अभी अभी पॉक्सो की बात कर रहे थे, पॉक्सो के लिए तो चीफ जस्टिस ने भी हमारे इंडिया के कहा कि भाई ठीक है अगर किसी स्पेशल केस में अगर आ जाता है तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, कहा है, मैं आपको जजमेंट की कापियाँ भेज दूँ अगर आप कहें तो। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। अब इस बात को ही क्यों किया जाता है भाई, इस्लाम में अगर है कि उसकी बलागत की उम्र अलग अलग है तो आप बार बार उसको टारगेट कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती कि उसको टारगेट क्यों किया जाता है। अगर कोई कानून आप बना रहे हैं तो ठीक है, सब कह रहे हैं कि 18 साल शादी की उम्र है, सब कह रहे हैं जितने पैनलिस्ट है ना इंक्लूडिंग दानिश कुरैशी, वो कह रहे हैं कि 18 साल शादी की सही उम्र है, लेकिन असम हेमंत विश्व शर्मा के फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड मत मानिए दानिश भाई, और मेरे ऑफर पर विचार करिएगा, घर वापसी कर लीजिए आप। जीनी।